पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। तर्जमान पाक फौज का वासे और दो टोक मौकिफ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी अहदार हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी कानून के तहत कोई भी शख्स किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DGISPR ने कहा कि अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूतों की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। PTI के इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, यह जिला इंतजामिया का मामला है। इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, मासूम लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो। बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान आन और शान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से क्लियर कराया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बलोचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्दी करने या कराने वालों का इस्लाम या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फितना अल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत के आने पर फितना अल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DGISPR का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरदर ममालिक पे गलत फहमियाँ पैदा करके रखरा डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए रोज़ 130 से जायद ऑपरेशन हो रखे हैं। गुज़श्ता माह 4,000 से जायद ऑपरेशन किए गए। ये भी कहा, मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर बलोच तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब का टैक्स दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में वॉर गेम्स का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम्स में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है कि पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना अज़ायम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें तेज। हुकूमत और अपोजिशन में राबता, स्पीकर चेंबर में PTI और नूली अराकीन की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, राणा सनाउला और खालिद मक्सी की शिरकत। स्पीकर की मौजूदगी में APC बुलाने पर मुशावरत। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर। PTI की हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरक वफद अख्तर मेंगल के पास भेजने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुलाकात का मकसद बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करना था। हमारे इजलास में फैसला हुआ था हुकूमत से राबता किया जाए, बलोचिस्तान पर मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास एक दो दिन में बुलाया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ्फुज़ात हैं। PTI के जलसे से दो दिन पहले इस्लामाबाद में पुरम जलसे और अमनुआमा का बिल कसरत राय से मंजूर। शहर इक्तदार में अब सिर्फ मखसूस जगह पर ही जलसे जुलूस की इजाजत होगी। सेनेट में मंजूर होने वाले बिल की PTI की खुलकर मुखालफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, इस्लामाबाद में PTI जलसा रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा है, एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, जलसे जुलूसों को रोका नहीं जा रहा, सहूलत दी जा रही है, एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कोई हाइड पार्क बनाया जाए। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल भी मुतफिक तौर पर मंजूर। उधर इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए NOC जारी कर दिया गया। 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी किया गया।
इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा, मैं खुद NOC हूँ, रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या है। वजीर आला के PL अमीन गनापुर की वार्निंग, कहा गवर्नर चाहते हैं मैं इनका नाम लूं और इनकी कोई हैसियत बने, पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूं। शराब बरामदगी केस में अली अमीन गनापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गनापुर के वकील की यकीन दहानी पर वारंट मंसूख किए। अदालत ने केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गनापुर की राहदारी जमानत मंजूर की थी, तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका गया, 21 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया था। नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे, सबर और इस्तकामत से ही कामयाबी मिलती है। वजीर अजम शहबाज शरीफ का है गूगल फॉर पाकिस्तान बड़ों की तकरीब से खिताब, कहा नए सेक्रेटरी IT के तकरूरी का अमल शफाफ तरीके से हुआ, आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है, डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलत में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी होगा, फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं, आप मुझे प्लान दें ताकि हम मिल बैठ कर आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस, सिंध हाईकोर्ट ने जामे कराची के सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस का फैसला कल सुनाएगी, नैब तरामीम कालेदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। पंजाब में पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जनूबी पंजाब से आगाज किया है, ख्वाहिश है पूरे पंजाब के तमाम स्कूल्स में मुकम्मल खाना फराहम करें, बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं मगर अमली इकदाम नहीं किए जाते। मरीम नवाज ने हर क्लास में जाकर बच्चों को दूध के पैक दिए, वज़ीर-ए-आला तलबा के दरमियान जाकर बैठ गईं, तालीम और सेहत बारे दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया, बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला, वज़ीर आज़म की तमाम इत्तेहादी जमातों के अराकीन को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत, नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अराकीन को आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, इस वक्त हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटे का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, 9 मई से पीटे के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं, सबूत हैं तो सामने लाए जाएं, बलोचिस्तान आग में जल रहा किसी को फिक्र नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है, एडवांस स्टेज पर है, कर्ज की जल्द मंजूरी हो जाएगी, IMF से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती, रवामा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी, सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत, IMF ने फसलों की इमदादी कीमत मुकरर करने से रोक दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल से शुरू होगा, सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकरर नहीं करेंगी,
ना ही मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने से मुतालिक कह सकेंगी। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। शर्त से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासिर होंगी। सब्सिडी पर पाबंदियों के बायस किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। उधर पाकिस्तान की फाइनेंसिंग का खला पूर करने के लिए कमर्शियल बैंकों से ज्यादा शरह सूद पर कर्ज की दरखास्त। वजारत खजाना हुकाम 1.75 अरब डॉलर कर्ज के लिए 3 बैंकों से कर्ज के लिए रबते में है। मोसरेला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दहशत गर्दी और जुराम का खात्मा करके ही दम लेंगे, रियासत को कमजोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी ही होगी। बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी सेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा की मुलाजमत खत्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा से FA का जाली सर्टिफिकेट होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया। इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को शोकॉज नोटिस दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग ना मंजूर। MQM का कराची में एक इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा मुरम्मती काम करना है तो सर्दियों में करें। कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक का अमला मिला हुआ है। KP में ग्रिड स्टेशंस पर हमलों पर सख्त इकदाम का फैसला। पावर डिवीजन ने चेयरमैन पेस्को बोर्ड को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ग्रिड स्टेशंस पर हमले करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। अगर मकामी पुलिस तावन ना करे तो सेशन जज के पास जाया जाए। तुर्किया की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को तावन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। तुर्किया के सफीर की वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेज के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क सफीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों ममालिक के दरमियान परवाजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा तुर्की की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। हालिया बारिशों ने कराची में तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। लियाकतबाद में सड़कों का बुरा हाल, टूट फूट की शिकार सड़कों की बहाली शुरू न हो सकी। शहरियों के लिए सफर इम्तिहान बन गया। शाहरा पर मुतअद्दिद मैन होल्स भी खुले हैं। खबरदार होशियार, लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। हेलमेट ना पहनने का चालान 2000 रुपए। क्रैक डाउन तेज, CTO के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद। 2 माह में 40,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। टीफी भट्ट के भाई के तहफुजात, पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक टीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन के पुलिस अफसरान से मुलाकात। थाना इछरा में शकील भट्ट की मदयत में दर्ज मुकदमे में ख्वाजा अजहर के तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ख्वाजा अजहर गुलशन को पुलिस की जावेद भट्ट के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट FIA की जमा कराई गई रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा ये तमाम कार्रवाइयां कागजी हैं, हम किस एजेंसी से रब्ता करें, FIA तो नाकाम हो चुका।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में चीनी सफीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगु में गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और चीन मिलकर तजारत को फरोग देंगे। चीनी सदर को कराची आने की दावत दी। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में तश्वीशनाक हद तक इजाफा। 8 करोड़ अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार। वजारत सेहत ने अदाद शुमार ऐवान में पेश कर दिए। मॉल भर में यौमे दिफा कल मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। तकरीबात का इनेकाद होगा। शहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए जाएंगे। मजारे कायद और मजारे इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। मुल्क में आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ की। इनकी खिदमत के एतराफ में 1979 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया। बांग्लादेश से शर्मनाक शिकस्त पर वसीम अकरम और कामरान अकमल बरस पड़े। वसीम अकरम ने कहा कौमी टीम जिस तरह हारी उस पर शर्मिंदा हूँ। कामरान अकमल ने कहा ऐसी मायूसकुन कारकर्दगी पहले कभी नहीं देखी।